सूरसदन के मंच पर आगामी 23 फरवरी को मास का रुदन का नाट्य होने जा रहा है। नाटक के लेखक व निर्देशक मनोज सिंह टाइगर अपने एकल अभिनय से मास के रुदन नाटक में एक स्वान और हिरनी की प्रेम कथा के माध्यम से अहिंसा का संदेश देंगे। ताज महोत्सव के तहत एक घंटे की अवधि व जीव हत्या पर आधारित नाटक रात 8 बजे से प्रारंभ होगा। यह जानकारी कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्क में आयोजित नाटक के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान मनोज सिंह टाइगर व नाटक के समन्वयक अशोक चौबे द्वारा दी गई। जैसा प्ले का नाम है मांस का रुदन, मांस का रुदन ये प्ले है जीव हत्या पर। इसको इस कहानी थी कालिंदी चरण पड़ेग्रही, ये बहुत बेहतरीन लेखक हैं उड़ीसा के, उनकी कहानी थी। तो उसका नाट्य रूपांतरण मैंने किया कहानियों के मंचन के जरिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे रंगकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने मोनोलॉग किया है सोलो मंच पर, शेखर सेन, नसरुद्दीन शाह, आशीष विद्यार्थी, बहुत सारे लोगों ने प्ले किया है। ये प्ले जो है बेसिकली मोनोलॉग है। एक घंटे मंच पर एक करेक्टर अलग अलग किरदार में दिखेगा। नो एग्जिट नो एंट्री, मंच पर आ गया तो अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कैसे वो हिरनी का भी रोल कर रहा है, कुत्ते का भी कर रहा है, DIG भी बन रहा है, ठाकुर भी बन रहा है, नौकर भी बन रहा है। देखिए, जैसा कि मनोज भैया ने बोला कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो विवेक के साथ ही अविवेक भी जुड़ा हुआ है, गुण के साथ दोष जुड़ा हुआ है। मानव के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है। और एक कलाकार होने के नाते मनोज भैया हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के और हिंदी इंडस्ट्री के बड़ा नाम है, और साथ में थिएटर भी बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। देश विदेश में इसी नाटक के कम से कम 100 से ज़्यादा मंचन कर चुके हैं। तो एक कलाकार के ऊपर, एक कंधे के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो सांस्कृतिक विरासत को और साथ ही मानव के जीवन में जो दोष आ जाते हैं, अविवेक आ जाते हैं, उसको दूर करने के लिए अपने कला के माध्यम से। तो ये नाटक उसी संबंध में है कि हमको, अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारा रास्ता सही क्या होना चाहिए। एक झकझोरने वाला नाटक है और उसको हम आगरा वासियों से यही कहना चाहेंगे कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखें मनोज भैया का नाटक। ये दावा है कि आप अगर हॉल के अंदर एंट्री ले लिए तो फिर बाहर नहीं जा पाएंगे, इतना उद्देश्य परक ये नाटक है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और देखिए। मनोज, कहना चाहूँगा कि ताज महोत्सव के अंतर्गत ये जो मांस का रुदन प्ले किया जा रहा है मनोज टाइगर जी के द्वारा, इस शो में शहरवासियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी आएँ सूर सदन में 23 तारीख को 8 बजे से प्रारंभ होगा, परंतु 7:45 तक आप अपना स्थान प्राप्त कर लें, ताकि शो, ये प्ले है, ये जब शुरू हो जाएगा तो उसमें फिर एंट्री असंभव हो जाती है। तो कृपया समय का ध्यान रखें और फ्री एंट्री है, आप इसमें आएँ, ये महोत्सव के अंतर्गत इस प्ले का आनंद लें। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा के जो वास्तविक जीवन को वो मंच पर दिखाएंगे, जिसको अभी तक आप टीवी में देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन रंगमंच के जो कलाकार होते हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है पैसे लगने चाहिए थे, जो कि आदरणीय अशोक चौबे जी जैसे बता रहे हैं कि हम आपको इसको फ्री में दिखाएंगे। ये आपके वास्तविक जीवन को आपको दिखाने वाला है इस रंगमंच के कार्यक्रम में। एक घंटे तक आप बंध जाएंगे, उसके बाद इस नाटक से जो सीखने को मिलेगा वो एक यादगार होगा, क्योंकि मैंने पहली बार इन अभी सभी का इंटरव्यू इसमें सुना, लेकिन मैं आप पूरे शहरवासियों से अपील करता हूँ, इस नाटक को देखने के लिए आपको आना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। ऐसे नाटक बहुत कम होते हैं, ये नाटक इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को वास्तविक जीवन जीने में आनंद आएगा।